नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण करने 20 दिनों के अंदर योगी आदित्यनाथ आज तीसरी बार अयोध्या जा रहे हैं। हिंदू दार्शनिक और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण गोलाघाट में मौजूद राधा स्वामी मंदिर में 12 बजे करने के बाद योगी दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक में करेंगे। आपको बता दें कि रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण करने 20 दिनों के अंदर योगी आदित्यनाथ आज तीसरी बार अयोध्या जा रहे हैं और हिंदू दार्शनिक और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण गोलाघाट में मौजूद राधा स्वामी मंदिर में 12 बजे करने के बाद योगी आदित्यनाथ दीप उत्सव कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक भी लेंगे। और इसके साथ का जानकारी है कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर राम कथा पार्क में उतरेगा और वहीं वे से सीधे प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचेंगे। इसके बाद वे श्री राम मंत्रार्थ मंडप के सिल्वर जुबली फेस्टिवल में भी हिस्सा लेंगे। इतना ही नहीं, वहां से राम कथा म्यूजियम पहुंचेंगे और 23 सितंबर को भी योगी आदित्यनाथ के हवाई सर्वेक्षण और दीप उत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी पहुंचे थे। 28 सितंबर को मुख्यमंत्री ने रामानुजाचार्य की प्रतिमा लगाने की घोषणा की थी। देश की राजधानी दिल्ली में बारिश के चलते जहां बढ़ते प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है, तो वहीं लोगों को अभी से ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज 12 अक्टूबर की सुबह कोहरे की धुंध देखने को मिली है। मौसम विभाग की माने तो 2-3 दिन में ही तापमान में गिरावट रहेगा और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि इसके बाद एक बार फिर मौसम बदलेगा और तापमान बढ़ेगा। IMD के पूर्ण अनुमान के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस हफ्ते के अंत तक ही न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। हालांकि आज यानी 12 अक्टूबर को भी दिल्ली में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना। बीजेपी के सपा में जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक अपार्टमेंट में रहने वाली महिला ने गोमती नगर थाने में ही समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी सचिव सज्जाद और 12 अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमला और छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। महिला के मुताबिक ये सारी घटना स्वामी प्रसाद मौर्य के घर में हुई और पीड़ित के मुताबिक बताया जा रहा है कि उनकी बहन सरकारी विभाग में अधिकारी है और वो जिस अपार्टमेंट में रहती है वहाँ सज्जाद भी रहते हैं और सज्जाद ने बहन को अपने जाल में फंसाया और उसने जब विरोध किया तो लव जिहाद और पूरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी दे डाली। और पीड़िता सज्जाद की शिकायत लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के पास जाने की कोशिश करती रही लेकिन उनसे मुलाकात ना हो पाई। बीजेपी आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार अभियान को धार देने के लिए राज्य में 5 अलग अलग स्थानों से गौरव यात्रा निकालेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को ऐसी ही 2 यात्राओं को हरी झंडी दिखाएंगे और बीजेपी सूत्रों की माने तो फिर उनका कहना है कि ये यात्रा गुजरात के 5 अलग अलग धार्मिक स्थानों से रवाना की जाएगी और 10 दिनों के चलने वाली ये यात्रा राज्य की 182 विधानसभा सीटों में 144 सीटों से होकर गुजरेगी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक पहली यात्रा मेहसाणा जिले के बहुचराजी के कच्छ जिले के माता नौ मठ तक जाएगी और बहुचराजी के विश्व परिसर सूर्य मंदिर में मंदिर है। आपको बता दें कि दूसरी यात्रा द्वारका से पोरबंदर तक निकलेगी। इन दोनों यात्राओं को नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। कर्नाटक सरकार ने आज से राइड बुकिंग ऐप ओला, उबर और रैपिडो पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद ऑटो ड्राइवर्स नंबा यात्री नाम से ही कैब ऐप शुरू करने का फैसला लिया है। ये ऐप कन्नड़ राज्योत्सव दिवस पर 1 नवंबर से शुरू होगा, जिसको बेकन फाउंडेशन के पार्टनरशिप के साथ लॉन्च किया जाएगा। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस ऐप को ही इंफोसिस के को फाउंडर नंदन
नीलकंठी और स्पोर्ट्स देंगे। और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि बेंगलुरु ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स यूनियन के अध्यक्ष रुद्र मूर्ति ने कहा है कि ओला उबर और रैपिडो ड्राइवरों के शोषण कर रही है और इसके साथ ही यात्रियों से भी मनमानी किराया वसूल रही है, इसलिए हम इस बैन का स्वागत करते हैं। कर्नाटक सरकार ने इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला ज़्यादा किराया वसूली की शिकायत मिलने के बाद लिया है। नोएडा अथॉरिटी से बड़ी खबर सामने आई है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी के अवांछित लोगों को प्राधिकरण में नहीं घुसने देने का आदेश जारी किया है और सीईओ ने कहा है कि कामकाज ऑनलाइन किए जा रहे हैं। इसके बावजूद प्राधिकरण आने वाले लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि ऑनलाइन कामकाज सही ढंग से नहीं हो रहा है। रितु महेश्वरी ने बिना वजह बार बार प्राधिकरण आने वाले लोगों की लिस्ट मांगी है। यह पता लगाने का आदेश दिया है कि प्राधिकरण में लोग कहां से प्रवेश करते हैं और ऐसी सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी आदेश दिया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।